Today I'm starting with one more chapter, Forest Society and Colonialism. According to CBSC, this chapter is going to be a project in your exam. मतलब ये जो है आपका प्रोजेक्ट रहेगा इन सीबीएसई, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट एंड ओनली इन वन पोर्शन इट वुड बी टेकन. नाउ दिस इज प्योरली अप टू द स्कूल कि वो इसको एज अ पीरियोडिकल टेस्ट लेना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू इंक्लूड इट इन देयर हाफ ईयरलीज, और इट माइट बी अ प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए बोल सकते हैं. इन एनी वे यू नीड टू नो द चैप्टर वेल. ठीक है, तो जो ये चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, फॉरेस्ट सोसाइटी का मतलब है जो आज हम लोग बात करते हैं, वी स्पीक अबाउट सो मेनी थिंग्स व्हाट वी कॉल एज ओ फॉरेस्ट, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन है, द प्लांट द ट्रीज हैव बीन कट, ग्लोबल वार्मिंग इज देयर, हम लोग इतनी बार में बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीस, तो हमारे सब दिमाग में सबसे पहले आता है कि आर वी रिस्पॉन्सिबल व्हाई फॉरेस्ट हैव बीन कट. अगर हम एक जनरल एक देखते हैं, द व्हेन द वर्ल्ड केम इन टू बींग, जो वर्ल्ड का इवोल्यूशन हुआ उस वक्त में फॉरेस्ट कवर आपका 80% था, बट नाउ ओनली 20% ऑफ द एंटायर एरिया इज फॉरेस्ट. तो ऐसा क्यों है, व्हाट वर द रीजंस, एंड हम लोग इसको जो है वी वुड बी स्टडिंग इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट एंड इंडियन कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा. तो दैट इज आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. If the chapter is coming in your exam, so you have direct questions which you can learn. And if it is a project, then you can use a PPT as a matlab ki to present your project, right? So we are starting with the chapters, what you call as summary, along with the notes, that is for a society and colonies. I'm taking it with the PPT form at the very first. Then we would go with the book. सबसे पहले आता है, इफ यू लुक एट द पिक्चर यू कैन सी दैट देर इज वन पिक्चर विच शोज दैट द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग. तो एक तरफ उस तरफ आपके बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बीच में आपका एकदम कट हो रहा है. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट अनप्रेजेंटली विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस. आपके पेपर का 3 मार्क का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो व्हाट वर द रीजंस. पहला, ओवर द पीरियड आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया. भाई पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं था, अभी आप देखो ना इंडिया का खुद का पॉपुलेशन 1.5 बिलियन क्रॉस कर रहा है. सो व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज, तो आपको खाने पीने के लिए यू नीडेड द एग्रीकल्चरल लैंड. सेकेंडली, जो आपके कॉलोनियल्स थे उनको लगता था कि जो अनप्रोड्यूस्ड बेकार जो लैंड है, अनप्रोडक्टिव लैंड जो है, जो मतलब लैंड के अंदर सिर्फ फॉरेस्ट है, दे आर वेस्ट. तो अगर हम उसको कल्टीवेशन में यूज करते हैं एंड उन क्रॉप्स को सेल ऑफ करते हैं कमर्शियली, तो वी कैन अर्न द मनी. तो पहला आपका जो रीजन था वो था लैंड्स टू बी इम्प्रूव फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज, एग्रीकल्चर इंक्रीज ऑफ कल्टीवेशन फॉर रेवेन्यू. सेकेंडली, इंडिया के अंदर आपके जो मतलब कि रेलवे थे वो आए थे 1800s में, एंड द फर्स्ट रेलवे ट्रैक वॉज लेड बिटवीन मुंबई टू ठाणे. आज अगर आप मुंबई टू ठाणे जाओगे ना,
तो आप कहोगे मैम ये कोई जगह थी, बट एट दैट टाइम मुंबई वॉज नॉट वॉट यू कॉल टूडे. मुंबई वॉज अ पैच ऑफ सेवन आईलैंड. तो जो थाने था दैट वॉज अ सेपरेट पोर्शन, एक अलग सा एक जगह था. तो थाने मतलब बोलते हैं वहां से मुंबई. नाउ इफ यू गो यू वोंट इवन इमेजिन दैट यू आर इन मुंबई और यू आर इन थाने. एवरीथिंग लुक सेम. तो जो पहला हमारा रेलवे ट्रैक था दैट वाज फ्रॉम थाने टू मुंबई आपका डाला था. तो जब रेलवे ट्रैक्स डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो आपके ट्रैक होता है उसके बीच में लकड़ियां होती हैं, उनको हम स्लीपर्स बोलते हैं. सो फॉर दैट स्लीपर्स, वो जो रेल के पटरियों के बीच में, उनके लिए हमें टिम्बर चाहिए होता था. देन फॉर द फ्यूल वी रिक्वायर्ड, बिकॉज इन द इनिशियल वी डिड नॉट हैव द डीजल इंजन, वी यूज टू हैव द लोकोमोटिव विच वर रनिंग ऑन कोल एंड अदर फ्यूअल वी नीडेड. तो इसके लिए भी आपके जो फॉरेस्ट थे उनको काट दिया गया. देन लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड वर क्लियर फॉर टी कॉफी, मतलब जो यूरोपियंस थे उनको, जो हमारे यहाँ कॉलोनियल्स थे उनको लगा कि जैसा आपका असम वाला एरिया है, केरला वाला एरिया है, इन एरियाज के अंदर बड़े बड़े एरियाज खाली पड़े थे. सो द ब्रिटिश गेव द यूरोपियंस दीज राइट कि उन एरियाज को साफ करके वहां प्लांटेशंस लगाए जाए. नाउ व्हाट इज प्लांटेशन, अभी आप आगे पढ़ोगे. प्लांटेशन होता है एक ही जैसे क्रॉप्स इन अ रो. तो फॉर दीज थ्री रीजंस लाइक टू बी इम्प्रूव स्लीपर्स ऑन द ट्रैक एंड प्लांटेशन, द फॉरेस्ट वर कट इन द इंडियन एरिया. नाउ ब्रिटिश को लगा कि देर आर लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट, दे आर अनप्रोडक्टिव, देर इज नो मतलब कि प्रॉपर रूल. तो उन्होंने वन मार्कर, आपका क्वेश्चन है, एक जर्मन का एक्सपर्ट था जिसका नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस, वन मार्कर. और ये जितना ये पूरा है ना, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज आपका फर्स्ट, द जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडिस वॉज इन्वाइटेड, और उस वो हमारे इंडिया का, ये वन मार्कर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एंड इट कैन कम एज अ टू मार्कर क्वेश्चन कि उसने क्या क्या किया. ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. उसने इंडियन फॉरेस्ट को सर्वे किया. फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप किया 1864 में, एंड देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया. नाउ ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ना, ये आपके 10th में भी है, थ्री मार्कर क्वेश्चन. आई रिपीट, दिस इज अ थ्री मार्कर क्वेश्चन इन 9th एज वेल एज इन 10th स्टैंडर्ड. अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट, आपके जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, ये वो फॉरेस्ट हैं जहां सबसे हाई क्वालिटी के टिम्बर्स मिलते हैं, वेर यू फाइंड द हाईएस्ट फाइन क्वालिटी टिम्बर्स. एंड इन एरियाज के अंदर कॉमन पीपल, जो ट्राइबल्स, ये जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे उस जमाने में, दे वर नॉट अलाउड. अभी भी है जो प्रोटेक्टेड होते हैं, ये होते हैं, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है जिसके अंदर इनको फायर या डिप्लीशन से इनको जो है बचाया जाए. एंड इफ यू हैव टू एंटर, यू मतलब आप नहीं, जो ट्राइबल्स हैं, तो दे हैड टू पे सम लाइसेंस, सम फीस, एंड देयर वर सम स्पेशल एरिया जहां वो लोग अपने कैटल को ग्रेस कर सकते थे, या देयर वर सम प्रोडक्ट्स जिसको वो ले सकते थे. एंड द विलेज फॉरेस्ट या जो आपके कॉमन फॉरेस्ट है, वो अनक्लास फॉरेस्ट हम बोलते हैं उनको, वो आपके गुजरात, आपका नॉर्थ ईस्ट वगैरह में सबसे ज्यादा है. रिजर्व्ड हमारा मध्य प्रदेश है, और विलेज फॉरेस्ट आपके अनक्लास है, जहां पे भी कोई जा सकता. उस जमाने में 1800s में
जो आपके फॉरेस्ट में जो लोग या फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते थे बेटा, दे यूज टू लिव इनसाइड और नियर द फॉरेस्ट एरिया. दे यूज टू मतलब वहां पे जो डिफरेंट सामान होता था, दे यूज इट इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल, जो आपका घिया होता है बॉटल गॉर्ड, दे यूज टू स्कूप अप, वो उसको अंदर से खाली करके दे वुड बी यूजिंग फॉर वॉटर पर्पज. देन सेमोर आपका एक था दैट दे यूज फॉर अदर पर्पसेस. देन आपका महुआ ट्री होता है, महुआ, वो जो महुआ ट्री है ना, उसका जो ऑयल होता है दैट वॉज यूज फॉर कंज्यूमिंग एज वेल एज फॉर लाइटिंग द लैम्प. ऐसे ही आपके अलग अलग ट्रीज को वो लोग अलग अलग तरीके से यूज करते थे. किसी का वो मतलब गम यूज करते थे, द रेजिन्स, व्हाट यू कॉल एज फेविकोल जिसको आप बोलते हो. बट जब ये फॉरेस्ट एक्ट आया ना, दे वर ऑल इन ट्रबल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिजर्व फॉरेस्ट वहां तो विलेजर्स जा ही नहीं सकते थे, एंड जो प्रोटेक्टेड था वहां पर भी देयर वर स्पेशल एरिया, जो जो कॉमन पीपल थे दे वर अफेक्टेड, हु दोज हु आर लिविंग नियर द फॉरेस्ट एरिया. तीसरा उसने जो है, जो आज भी इंडिया का वेरी प्रोमिनेंट है, द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब तो इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इट इज इन देहरादून. दिस इज सो बिग, इफ यू गो यू टेक वन डे, यहाँ पर आज की डेट पर आप जाओगे ना, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक पोटैटोज को कैसे ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं ऐसे. दिस वॉज सेटअप इन, ये सारे वन वन मार्कर है. देन द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस. नाउ व्हाट इज द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बच्चा? दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन. पहले तो दिस क्वेश्चन यूज टू कम एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. एज आई सेड, एक जैसे पौधे, मतलब इफ आई टेक दिस एरिया, अगर मैं ऐसा एक एरिया लेती हूँ, तो यहाँ पर एक ही जैसे पौधे आपके एक रो में दे वुड बी. अब जंगल में ऐसा नहीं होता, जंगल में देयर माइट बी अ रबर ट्री और उसके साथ कोई और ट्री, उसके साथ कोई और ट्री होगा, लेकिन उन्होंने उन सबको काट कर एक जैसे जो पौधे होते हैं, लाइक टी, कॉफी, इंडिगो, ऐसे आपके जो क्रॉप्स हैं वो लगाए थे, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और प्लांटेशन, राइट? तो दिस वाज हाउ द ब्रिटिश चेंज्ड. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन दिस चेंज? एज आई से, जो आपके कॉमन पीपल होते थे, दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट एरिया, दे यूज्ड द फॉरेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. दे वुड बी यूजिंग द बॉटल गॉड फॉर स्कूपिंग द बॉटल गॉड, टेकिंग द वॉटर. देन दे यूज अ सेमर फॉर ग्रेटिंग. देन दे यूज अ महुआ. तो उनके जो रोजमर्रा जो डेली रूटीन था दैट वॉज डिस्टर्ब. सेकेंडली, जो यूरोपियंस थे हमारे यहाँ इंडिया में, आज भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस. नाउ व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन? फर्स्ट लेट अस, आपके जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आता है, इवन इट इज अ बोर्ड क्वेश्चन, मतलब 9th में भी और 10th में. से दिस इज अ लैंड, दिस इज अ लैंड, राइट? फार्मर्स क्या करते हैं नॉर्मली? दे वुड बी लीविंग हाफ ऑफ द लैंड अकॉर्डिंगली. दे वुड लीव दिस, इस लैंड को वो छोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैलो. और ये जो बाकी बचा हुआ लैंड है, इसके अंदर दे वुड बी यूजिंग इट फॉर प्लांटिंग द एग्रीकल्चर. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, जब यहाँ का आपका जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाता है, तो देन व्हाट दे वुड डू इज दे वुड शिफ्ट टू दिस एरिया. एंड इसको कैसे शिफ्ट करते हैं? जो अभी जैसे बारिश होती है, उससे पहले दे वुड बर्न ऑल दीस फॉरेस्ट, एंड देन उस एशेज से, जब जल जाता है तो उसके वो एशेज होती हैं,
उनमें जब पहली बारिश होती है जून में, दे वुड सो द सीड्स, जिसको वो लोग अक्टूबर या नवंबर में रीप करते हैं, खरीफ क्रॉप्स जैसे राइस। इस तरीके से फिर ये वाला जो एरिया है इसको फैलो छोड़ देंगे, एंड दिस इज डन ऐसे शिफ्टिंग को, इसको इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्वीडन कल्टीवेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोका, इसको जुमिंग कल्टीवेशन, अलग अलग नाम देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं हम इसको? हम इसको नाम देते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हम नाम देते हैं स्वीडन, इसको हम नाम देते हैं झूमिंग, मतलब अलग अलग एरियाज में इसका अलग अलग नाम है। और आज भी हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम फॉरेस्ट, जो आपके जो स्मॉल फार्मर्स है, दे यूज दिस मेथड फॉर कल्टीवेशन। बट यूरोपियंस ने क्या किया, व्हेन दे केम, उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। व्हाई? बिकॉज उनको लगा जब फॉरेस्ट को आप बर्न करते हो तो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर। सेकेंड थिंग, जब आपके मतलब कि उनको चाहिए होता था, दे नीडेड द क्रॉप्स फॉर सॉरी दे नीडेड द टिम्बर फॉर रेलवे, तो अगर आप मतलब इफ दे वर यूजिंग द एरियाज, तो उनके लिए टिम्बर नहीं मिलता था। थर्ड, उनको लगता था कि बार बार अगर वो शिफ्ट करते तो दे वर नॉट एबल टू कैलकुलेट द टैक्स। देयरफॉर द यूरोपियंस बैंड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दिस क्वेश्चन इज अ 3 मार्क। एंड व्हाट दे डिड इज, जो आपके एज आई सेड जितने भी हमारे लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, दे यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, दे यूज्ड मतलब दे यूज टू लिव इन साइड द फॉरेस्ट, दे वर कस्टम कस्टम ऑफ हंटिंग, लेकिन वो लोग वैसे हंटिंग नहीं करते थे, उनका हंटिंग होता था फॉर बेसिक पर्पसेस। नाउ जो ब्रिटिश था, यूरोपियंस थे, उन्होंने हंटिंग पर भी बैन डाल। दे सेड कि एनी वन हु इज हंटिंग वुड बी पनिश्ड, बट द ब्रिटिश कुड हंट, क्योंकि उनको लगता था कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं लाइक लायन टाइगर, ये सब जो होते हैं दे आर थ्रेट्स। और आपको पता है उसके लिए वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, हंटिंग स्पोर्ट्स। और जो लोग इसमें बड़े बड़े मतलब कि टाइगर्स वगैरह को मारते थे, उनको जो है गांव, उनको जो है सामान, दे यूज टू गिव देम, लाइक महाराजा ऑफ सरगुजा, उसने अराउंड 3,000 टाइगर्स मारे थे। तो दे वर अलाउड, बट द कॉमन पीपल जो छोटी मोटी चीजों के लिए हंटिंग करते थे, या फिर दे यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक किसी डियर का मतलब आपके जो सी हॉर्न है उसको यूज किया, दे वर नॉट अलाउड। और दे फेल्ट दैट इंडियन जो मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे आर वाइल्ड प्रिमिटिव, और इसीलिए उनको जो है इन एनिमल्स को मार देना चाहिए। बट द फॉरेस्ट ड्यूलर्स वर नॉट अलाउड। तो बेचारे जो हमारे फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, या फॉरेस्ट के पास जो लोग रहते थे, दे ऑल वर इन ट्रबल। सो व्हाट टू व्हाट व्हाट शुड डू दे वो सॉरी व्हाट दे कुड डू। अब वो लोग क्या करते, तो कुछ उनमें से जो है उन लोगों ने जो है फॉरेस्ट वाले काम छोड़ दिए, दे वेंट फॉर अदर ऑक्यूपेशंस, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर को ले लिया, दे मतलब कि शिफ्टेड जो, क्योंकि ना तो दे वर अलाउड टू ग्रेज देयर कैटल, नॉट दे वर अलाउड टू हंट, एंड बहुत सारे ट्राइबल एरियाज लाइक कोरावा, कराची, येरुकुला, इनको तो क्रिमिनल ट्राइबल का नाम दे दिया। नाउ यू नो व्हाट इज क्रिमिनल ट्राइबल, यानी कि दीज ट्राइबल्स आर क्रिमिनल्स। और इनको जबरदस्ती प्लांटेशन एरियाज जैसे आपके असम, इन जगहों पर जाके इनको छोड़ दिया जाता, दे वर नॉट अलाउड टू कम फ्रॉम देयर। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज। कुछ को तो फायदा हुआ, कुछ लोगों ने दूसरे बिजनेस करने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने जो है मतलब सम ऑफ देम लेफ्ट दिस बिजनेस, दे वेंट फॉर अदर
छोटे मोटे ट्रेडिंग करने शुरू कर दिए, इवन नॉट इन इंडिया, इवन इन अमेजन फॉरेस्ट वगैरह में भी दिस प्रॉब्लम वॉज देयर. बट एनी हाउ मेनी ऑफ द ट्राइबल जो वहां रहते थे, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, उनका जो रोजमर्रा, उनकी जो रोजी रोटी थी वो छिन गई. बट एट दैट टाइम इन इंडिया देयर वॉज अ रिबल, जिसको हम बोलते हैं बस्तर रिवोल्यूशन. वी कॉल इट एज बस्तर रिबल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, इफ इट इज कमिंग इन योर एग्जाम एट एनी पॉइंट. बस्तर रिवल आपका जो है, बस्तर आपका छत्तीसगढ़ के पास है. एंड नॉट मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल वर अपोजिंग द प्रॉब्लम्स, और हमारे यहाँ तो वैसे भी रिजर्व फॉरेस्ट था. तो देर वॉज वन बस्तर के अंदर, द गवर्नमेंट प्रपोज की जितना फॉरेस्ट है उसका 2/3 एरिया विल बी रिजर्व, यानी कि वहां पर देर वुड बी नो कल्टिवेशन, नो हंटिंग, नो कलेक्शन. तो वहां के जो बस्तर के लोग थे, वो लोग मतलब बहुत परेशान हो गए. एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम. जगह जगह पर वो लोग बैठते, वेर एवर देवर दे लोग, वो लोग सब बैठे रहते. अल्टीमेटली एक मतलब कि ट्राइब है धुरवास, एक ट्राइब है धुरवास, उन्होंने सबसे पहला जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट किया. उन्होंने क्या किया, जो आम के जो लकड़ियां होती है ना, टहनिया, वो मिट्टी के ढेले, लंप ऑफ अर्थ, मिर्च, चिलीज, एरोस, मतलब दिस वॉज वॉट वी कॉल एज गुरीला वॉर. दिस वॉज वॉट वी कॉल एज गुरीला वॉर. एंड दे यूज टू, जो लोग उनका ग्रुप होते थे उनको ये चीजें पास होती थी. एंड दे स्टार्टेड द विलेजर्स टू कम इन टू दैट. स्लोली स्लोली सारे के सारे विलेजर्स जो हैं, उन लोगों ने पाठ पढ़ना शुरू किया. जितने बाजार होते थे उसको लूट लिया जाता था. ब्रिटिश के स्कूल्स, पुलिस स्टेशन पे अटैक होता था. ब्रिटिश ने कोशिश की कि इस मूवमेंट को कम करे, बट इट कुड नॉट. अल्टीमेटली अल्टीमेटली ब्रिटिश हैड टू एक्सीड टू आवर डिमांड. हमारे डिमांड्स को उनको सुनना पड़ा. 2/3 बोला था, मतलब इन आउट ऑफ अगर हम कहते हैं ये है, तो उन्होंने कहा था कि इतना एरिया रिजर्व करेंगे, बट बाद में दे जस्ट हाफ इट. सिर्फ इतना एरिया किया था, बाकी उन्होंने छोड़ दिया था. दिस शोज की जो हमारी कम्युनिटी थी, उन्होंने कितना रिबेल किया. एंड दैट इज कॉल्ड एज बस्तर रेवोल्यूशन. यहां तक जो हमने पढ़ा क्लास 9, दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया. मतलब वॉट वर द रीजन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, फर्स्ट दैट इज आपके 3 पॉइंट से, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, देन स्लीपर्स ऑन द ट्रैक एंड प्लांटेशन, ये 3 रीजन्स थे. देन वॉट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, फॉर दैट द जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडिस वॉज कॉल्ड ऑन. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज मतलब कि इंट्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर एक ही जैसे आपके सिमिलर ट्रीज वर प्लांटेड इन अ रो. द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड. द इंडिया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज स्टार्टेड. एंड देन शिफ्टिंग कल्टिवेशन वॉज बैक. और इन सबकी वजह से जो फॉरेस्ट ड्यूलर्स होते थे, जो लोग फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, उनके रोजमर्रा की जो जिंदगी है, देयर लाइफ वर डिस्टर्ब. बट इन बस्तर देयर वॉज अ रिबल, जहां पर द पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया बस्तर में, दे हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लॉ ऑफ 2/3 रिजर्वेशन, एंड अल्टीमेटली इट वॉज ओनली 1/3. तो इट वॉज वॉट वॉज डिफॉरेस्टेशन, हाउ पीपल हैव हेल्प. अब हम पढ़ते हैं अबाउट जावा. जावा इज अ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, अ स्मॉल आइलैंड नियर जापान. बट यहां पर क्या था, द डच वर द कॉलोनियल्स. तो उनको क्या था वहां पर, उनको 2 चीजों के लिए टिम्बर चाहिए था. जावा वैसे इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स राइस कल्टीवेशन. जावा इज फेमस फॉर इट्स राइस कल्टीवेशन. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑल्सो.
लेकिन इनको चाहिए था वहां से लकड़ियां जो उनके नेवी के लिए, फॉर द यूरोपियन नेवीज, उनको वहां पर उनके लिए शिप बनाने के लिए चाहिए था। बिकॉज इन द यूरोप वो जो टीक ट्रीज वगैरह जो थी, देवर गेटिंग डिप्लीटेड, तो उनको टिम्बर चाहिए था, सस्ता टिम्बर चाहिए था। सो दे यूज टू कट द ट्रीज इन जावा, और उन टिम्बर को दे यूज फॉर बिल्डिंग द शिप्स विच दे रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अब वहां पर क्या है, जो कलंस करके देर वॉज अ कम्युनिटी इन जावा, सो वेरी फेमस कम्युनिटी। एंड आपको पता है ये जो कलंस थे, दे वर द मतलब दे आर सेड टू बी द वर्ल्ड स्किल्ड टीक फॉरेस्ट कटर्स। अब आप सोचोगे व्हाट इज टीक कटर्स, जो टीक है इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टिम्बर। टीक वुड की जो आपके जो सामान होता है ना, इट्स वेरी कॉस्टली, एंड इसको जो काटना होता है, जो कटिंग होती है, इट रिक्वायर्स वेरी स्किल। तो देर वॉज अ कम्युनिटी कॉल्ड कलंस। तो जब ये डचेस जो है, इन लोगों ने वहां पर व्हेन दे गॉट द कंट्रोल, तो इन्होंने कलंस को फोर्स किया टू वर्क फॉर देम। नाउ द कलंस डिड नॉट वांट टू वर्क फॉर द डच, सो दे अटैक वन ऑफ द फोर्ट एट जॉना। जॉना एक जगह है वहां पर, इन्होंने डच के फोर्ट को अटैक किया, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। इनफैक्ट कलंस इतने फेमस थे क्लास 9 कि जब जावा में देर वॉज एक राजा था जिसने जावा को 2 हिस्सों में, किंगडम को बांट दिया था, तो कलंस वर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू। दे वर सो फेमस, तो दे वॉन्टेड द टिम्बर फॉर शिप बिल्डिंग। सेकेंडली दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ फॉरेस्ट सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट सिस्टम हुआ था साइंटिफिक, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, नॉट द सेम बट दे ऑल्सो, वहां पर वो क्या करते थे, दे आस्क द पीपल नॉट टू एंटर इन टू द फॉरेस्ट इफ दे ग्रेज द एनिमल्स, या फिर इफ दे ट्रांसपोर्टेड द वुड विदाउट अ परमिट, या दे ट्रेवल्ड ऑल्सो, उनको जो है दे वर फोर्स टू पे द मनी, दे वर पनिश्ड, दे वर आस्क टू वर्क फॉर फ्री। उनको बोला जाता था तो मुफ्त में काम करो। एंड देन दे इंट्रोड्यूस वन सिस्टम विच इज कॉल्ड एज ब्लैंडॉन डाइनस्टीन सिस्टम। ब्लैंडॉन डाइनस्टीन सिस्टम, इसमें क्या होता था, मतलब अंडर दिस सिस्टम जो विलेजर्स होते थे, इनको मिलकर जो आपके डचेस हैं उनके लिए काम करना पड़ता था एज अ फ्री लेबर। एंड देन अगर ये लोग मिलकर काम करते थे तो जो रेंट उनको देना पड़ता था, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रेंट। सो इन दिस मैनर अ सिमिलर काइंड ऑफ फॉरेस्ट सिस्टम, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिस्टम द विलेजर्स वर सपोज टू वर्क फॉर फ्री, एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द फॉरेस्ट, दे वर नॉट अलाउड टू ग्रेज देयर कैटल, दे वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल, तो उनको पनिश किया जाए। ऐसा ही एक ऐसा मतलब कि हुआ, देर वॉज वन एरिया दैट इज आपका रंदुम तुंग विलेज। यहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था सुरंतिको सामिन। ही वॉज अ मतलब टीक फॉरेस्ट के लिए, तो जब वहां पर डचेस गए टू कट द ट्रीज, सुरंतिको ने उनको चैलेंज किया, सामिन ने उनको चैलेंज किया। ही सेड दैट द फॉरेस्ट डजेंट बिलोंग टू एनी वन। उस जमाने में बेटा फॉरेस्ट वर नॉट द रिसोर्सेज ऑफ एनी गवर्नमेंट, इट वॉज फ्री, फॉरेस्ट वॉज अ फ्री लैंड। आया समझ में, फॉरेस्ट वॉज अ फ्री लैंड। तो उसने क्वेश्चन किया कि द स्टेट द गवर्नमेंट इज नॉट द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट, तो व्हाई दे आर। और उसने जो है एक मूवमेंट किया, उसने कहा कि दे वुड नॉट परफॉर्म एनी लेबर, दे वुड नॉट पे एनी टैक्स, दे वुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ, मतलब वो कुछ नहीं देंगे। एंड इस मूवमेंट को मेनी पीपल सपोर्टेड, इवन उनके खुद के जो सन इन लॉ थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, एंड दैट पर्टिकुलर मूवमेंट बिकेम अ सक्सेस। आपको पता है सिमिलर मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया के अंदर भी ऐसा एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था।
And that was in Uttarakhand, which is one of the very famous movement in India, which is called as चिपको मूवमेंट. उसको हम बोलते हैं चिपको मूवमेंट. एंड अकॉर्डिंग टू द चिपको मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, इट वॉज मतलब कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया था. इट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा. तो व्हेन द गवर्नमेंट वेंट ओवर देयर, मतलब वो जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को ब्रिटिश मतलब कि कुछ फॉरेन कंपनीज को दिया था फॉर टॉय मेकिंग. लेकिन वहां जो लोकल लोग थे, उन्होंने कहा दैट यू शुड नॉट कट द ट्रीज. एंड व्हेन द पीपल वेंट टू कट द ट्रीज, ऑफिसर्स वहां गए, तो वहां जितनी भी विमेन थी, उन सबने ट्री को जो है मतलब कि हग कर लिया. दे जस्ट हग द ट्री, एम्ब्रेस द ट्री, चिपको मूवमेंट. एंड ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल था कि इट हेल्प्ड इन द रेसिस्टेंस ऑफ मतलब कि डिफॉरेस्टेशन. इसने डिफॉरेस्टेशन को कम करने में काफी हेल्प किया. इन इंडिया वी कैन से द चिपको मूवमेंट वॉज द वन विच हेल्प्ड इन डिक्रीजिंग द डिफॉरेस्टेशन. इट बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल मिशन. तो लोगों ने वहां पे सामिन जो है, ही हैड चैलेंज्ड, इन इंडिया देर आर सम एरिया सेक्रेट ग्रोव्स, एंड दीज एरियाज आर इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एरिया है, जहां पर द रूल इज ओनली ऑफ द लोकल पीपल. मतलब जो फॉरेस्ट में वहां पे रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास, ये उनका रूल होता है. दे डोंट अलाउ एनी वन टू एंटर इन टू दोज विलेजेस, इन टू दोज फॉरेस्ट. वो वहां पर आपके जो टैमरिंड है, मैंगो है, कदम्बी है, मतलब इन सबको, देन महुआ है, इन ट्रीज की वो लोग पूजा करते हैं. बैनियन ट्री है, एंड दे से कि दे आर ऑल द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड नो बडी शुड टच देम. तो दे आर बीन मेनी पीपल, मेनी कम्युनिटीज लाइक सामिन इन जावा, चिपको मूवमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेट ग्रूव मूवमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे लोगों ने कोशिश की है फॉरेस्ट को बचाने की. वेन द वर्ल्ड वॉर केम, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, द फॉरेस्ट वर कट इनकेजेंटली. वाई? बिकॉज आपको जो है लकड़ियां अलग अलग जो जगह है उनके लिए मतलब की चाहिए होती थी. दे नीडेड फॉर मेनी पर्पसेस. सो इन इंडिया जो ब्रिटिश थे, देवर मतलब की देवर यूजिंग इट, उन्होंने काटे. वेयर इज इन इंडोनेशिया, जापानीज ने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था. मतलब पहले किसने किया था, डच ने किया था, फिर जापान ने किया था. मतलब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जापान को वो एरिया मिल गया था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे जितनी भी इंडस्ट्रीज मतलब जितने भी फॉरेस्ट उसको काटना शुरू किया. एंड दे फॉलोड अ स्कॉच्ड प्लैनेट, मतलब कि बिल्कुल खाली स्कॉच प्लैनेट का एक पूल. बट देन पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट्री. अब नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड दैट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कलेक्शन ऑफ टिम्बर. नाउ द गवर्नमेंट्स एंड इवन द पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड. पहले क्या होता था, उन लोगों को वहां से बचाया, उनको वहां से भगाया जाता था. बट नाउ जो लोग आसपास में रहते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता. लाइक इन इंडिया, इन ओडिशा, इन इंडिया, इन ओडिशा, द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज स्टार्टेड. इट्स नॉट देयर इन योर बुक बेटा, दिस आई एम एडिंग फॉर यू, दिस इज इन 10th स्टैंडर्ड एक्चुअली. इन मतलब कि उन्होंने जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया. अकॉर्डिंग टू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो आपके लोकल पीपल होते हैं, दोज हु आर नियर द फॉरेस्ट, दे आर अलाउड टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर. उनको जो है इन्वॉल्व किया जाता है कि वो लोग भी फॉरेस्ट की देखभाल करें.
एंड इन रिटर्न, मतलब उनको उसके बदले में पैसा नहीं मिलता है, बट दे आर गिवन सम टिम्बर और समथिंग एल्स। और इस तरीके से जो आपके लोकल पीपल हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, बिकॉज नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि जो जहां रहता है दैट पर्सन नोज बेटर अबाउट इट। जैसे मैंने आपको सेक्रेड ग्रोव्स का एग्जाम्पल दिया, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नाउ इन फ्रॉम मिजोरम टू केरला, मेनी ऑफ द विलेजर्स दे हैव प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रोव्स सच एज सरनास, देवरकुड़ा, कनराय, मतलब दीज आर द ट्राइबल्स जिन्होंने कोशिश की है कि अपनी अपनी जगहों पर जो आपके फॉरेस्ट है उनको बचाया जाए। टुडे इफ वी लुक इन टू द फॉरेस्ट रिसर्च, अगर हम फॉरेस्ट सर्वे को देखते हैं क्लास 9, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे 33% ऑफ अ टोटल एरिया, आप जहां पर भी रहते हो वहां का जो 33% है दैट शुड बी फॉरेस्ट कवर। बट इन बिटवीन इंडिया हैड कम समवेयर अराउंड 22 to 25, अभी 28% है, स्टिल वी आर 5%। 5% इज वेरी वेरी यू नो अ वेरी बिग अमाउंट। तो 33% अगर आप एक जगह पे रहते हो, मान लो इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेस, तो यहाँ का जो उसमें से जो 33% है दैट शुड बी फॉरेस्ट एरिया, देन ओनली इट वुड बी एबल टू कंजर्व प्रिजर्व द एनवायरमेंट। आज हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कितनी गर्मी थी, इन बिटवीन इट वॉज टू हॉट, वी स्पीक अबाउट ऑल दीज टर्म्स। हम कहते हैं कि गर्मी इतनी बढ़ गई थी, इन दिल्ली इट वॉज 50 डिग्री, देयर इट वॉज 55 डिग्री, बट वाई इट इज बिकॉज हम लोगों ने जो फॉरेस्ट कवर एरिया है दैट वी हैव डिक्रीज, एंड इट इज नॉट द यू नो द स्टोरी ऑफ इंडिया, इट इज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड वेन वी डिप्लीट द फॉरेस्ट इट नॉट ओनली अफेक्ट्स, आपको फॉरेस्ट क्या क्या देता है, फॉरेस्ट गिव्स यू सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट, फॉरेस्ट आपको टिम्बर देता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, फॉरेस्ट इज द अबोड फॉर मेनी ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। आपके इतने सारे, यू मस्ट हैव हर्ड इन रामायणा, देर इज वन वेरी फेमस वन की संजीवनी बूटी, यू फाइंड सो मेनी। इवन आज भी इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल, वहां पे देर इज अ स्पेशल एक मतलब की प्लांट है जिसका नाम है हिमालयन यू, YEWU, एंड दिस मेडिसिन इज वन ऑफ द क्यू मतलब की वन ऑफ द मेजर मेडिसिन फॉर कैंसर। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंसर है, मेडिसिन को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हम इन एरियाज को जो है पूरा का पूरा काट रहे हैं, एंड वहां पर अब जो हिमालयन यूज है ना वो बिल्कुल सूख गए। देर आर मतलब कि हम तो व्हाट हैपेंस, ऐसे एरियाज हमारे, देन दे आर गिविंग अस जो पेपर्स होते हैं, पेपर प्रोडक्ट होते हैं वो, देन दे आर द वन विच आर इनहैबिटेंट फॉर ऑल द एनिमल्स। टुडे वी लाफ व्हेन वी हियर दैट लेपर्ड जो है वो आ गया है, वो रोड पर आके खड़ा हुआ है, व्हाई इट इज कमिंग, बिकॉज इट्स उसके इनहैबिटेंट को तो हमने खत्म कर दिया है। अभी रेन हुआ था तो देयर वर सो मेनी देयर वर मेनी न्यूज दैट द क्रोकोडाइल्स हैड कम ऑन द रोड। दे आर द हम लोग जो है जो नेचुरल इनहैबिटेंट्स हैं ऑफ दैट एरिया उनको हम खत्म कर रहे हैं। देन फॉरेस्ट हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करता, फ्लड को मेंटेन करता है, बिकॉज जो सॉइल होता है उसको वो होल्ड करता है। देन इट हेल्प्स इन द कंडेंसेशन ड्यूरिंग द रेन साइकिल। तो ऑल ऑफ दीज आर अफेक्टेड व्हेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड। तो इन दिस चैप्टर वी हैव रेड दैट व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, व्हाट वर द रीजंस की फॉरेस्ट वर कट, देन व्हाट
how it affected the lives of the people who were living in the or near the forest. Then why did the Europeans ban the shifting cultivation? What was साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ऑल अबाउट? अभी भी हम लोग साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यूज करते हैं, जबकि कुछ साइंटिस्ट जो हैं दे से कि इट इज रॉन्ग. देन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हंटिंग वाज आल्सो प्रोहिबिटेड, मतलब इट वाज गिवन टू दोज ओनली एज अ गेम, इट वाज अ स्पोर्ट. व्हेन द पीपल, व्हेन द मतलब कि जो आपके बिग जो व्हेन दे यूज टू किल द एनिमल्स दे वर गिवन द रिवॉर्ड, लाइक महाराजा ऑफ सरगुजा, वन मार्कर क्वेश्चन. देन हाउ पीपल हैड टू शिफ्ट टू न्यू एम्प्लॉयमेंट, न्यू सर्विसेज, न्यू ट्रेड, एंड व्हाट हैपेंड इन बस्तर. देन वी रेड अबाउट द स्टोरी ऑफ जावा विच वॉज कॉलोनाइज बाई डचेस, लेटर ऑन इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द जापान ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. तो उस वक्त में जावा के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम था, दे वॉन्टेड द टिम्बर फॉर शिप बिल्डिंग, देन दे वॉन्टेड द टिम्बर फॉर अदर एरिया. उन्होंने वहां के जो मतलब राइस कल्टिवेशन के लिए उसको जो है दे हैड क्लियर द ट्रैक्ट ऑफ लैंड, दे हैड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंस जिसको कहते हैं ब्लैंडाउन डीन सिस्टम, वो इंट्रोड्यूस किया. फ्री लेबर, उनको बोला जाता था कि आप हमारे यहाँ पे काम करो एंड देन गिव योर फ्री लेबर, अपने बफलोस को हमारे लिए काम करवाओ और आपको बदले में वी वुड बी गिविंग यू समथिंग. सच वॉज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रोवर्सी वेन सामिन चैलेंज की फॉरेस्ट आर नॉट द रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट, और उसने चैलेंज किया था. इन इंडिया सच चैलेंज वॉज डन बाय मतलब कि इट वॉज देयर इन उत्तराखंड विच वी कॉल एज चिपको मूवमेंट. देन वेन द वर्ल्ड वॉर केम, ड्यूरिंग द टू वर्ल्ड वॉर पीपल रिक्वायर्ड वुड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. आपके जो घोड़े होते हैं ना उनके ऊपर आपने देखा होगा वो सैडल बना होता है लकड़ी का, सो दे नीडेड फॉर दैट, दे नीडेड इट फॉर मेनी पर्पसेस. तो इनकेजेंटली इन इंडिया ऑल्सो द फॉरेस्ट वर कट, इन जावा ऑल्सो इट वॉज कट. एंड जब जापान ने वहां पर दे हैड मतलब कि ऑक्यूपाइड, वो भी वहां पे खत्म करना चाहते थे, तो जो यहाँ पे इन जो जावा से उन लोगों ने वहां जो डचेस थे उन्होंने वहां के जितने भी टी ट्री से उसको जला दिया, जिसको हम कहते हैं स्कॉच प्लैनेट पॉलिसी. देन लेटर ऑन आफ्टर टू वर्ल्ड वॉर पीपल स्टार्टेड मतलब कि रिकॉग्नाइजिंग दैट फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम देयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो एक मतलब कि है सेव फॉरेस्ट सेव ट्रीज, दीज हैव स्टार्टेड. नाउ पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाई फॉरेस्ट शुड नॉट बी कट. देन द गवर्नमेंट इज नाउ ऑल्सो एंगेजिंग द कम्युनिटीज, जो लोग वहां रहते हैं उनको भी अपने साथ रखा है. न्यू फॉरेस्ट लॉज आर देयर, मतलब फॉरेस्ट लॉ के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं. अभी भी वो फॉरेस्ट लॉ हमारे चलते हैं लेकिन कुछ चेंजेस किए हैं. एंड इट इज मतलब कि एवरी वन इज नाउ ट्राइंग टू कंजर्व बिकॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सो दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइज कॉलोनाइजम अ पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री चैप्टर.